नमस्कार, आप देर इंडिया टाइम में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज के पोलो ग्राउंड के पास 10 नवंबर को बीएचएस के छात्र अधित भागो की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल घर वालों को शक है कि गाड़ी पर और लोग भी शामिल थे, हादसे में उनकी भी भूमिका हो सकती है। घर वाले बीएचएस के छात्र शाम सिविल लाइन में सड़क हादसे रोकने के लिए कैंडल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। लूकरगंज का रहने वाले आदित्य भागो बीएचएस में कक्षा 11 का छात्र था। 10 नवंबर को अपने दोस्तों से मिलने के लिए स्कूटी लेकर जा रहा था। पोलो ग्राउंड के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। एक यह मासूम बच्चा 17 साल की उम्र का सड़क से चल रहा था, किसी सफारी स्कॉर्पियो वाले ने आके टक्कर मार दी और टक्कर भी इतनी भयंकर मारी कि हमारे बच्चे ने हेलमेट भी लगाया हुआ था। सेफ ड्राइविंग को हम लोग मैसेज देने के लिए संदेश ये रैली निकाल रहे हैं। आज हम लोगों ने मोमबत्ती जुलूस निकाला है। ये बहुत ही होनहार और शिक्षित लड़का था और अपने काम पढ़ाई पे ध्यान देता था। इसकी स्पीड भी स्लो थी, पर हम सब समझते हैं कि जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा न हो और जो हमारे इस आदित्य भार्गव के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए आज हम लोग करके।